ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रहों का योगा योग क्या बता रहा है उसका आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहों का योगा योग कैसा रहेगा मार्च के अंतिम भाग में आपके लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं इस वक्त बुध महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं और इन दिनों बुध जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण भाव में हैं और वो कमज़ोर अवस्था में हैं, लेकिन मार्च के अंतिम भाग में वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये मेष राशि में प्रवेश करना आपकी राशि के अनुसार से बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा बुध के लिए, चाहे वो कुछ दिन के लिए है क्योंकि फिर वापस वो आने वाले हैं मीन राशि में, फिर कमज़ोर होने वाले हैं, लेकिन जब तक रहेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन की स्थिति अवश्य लाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके दशम भाव में सूर्य और राहु की युति विराजमान है जो थोड़ी अस्थिरता देती है। वहीं भाग्य में शनि महाराज हैं वो आपके लिए शुभ हैं, लेकिन मंगल ने आकर वहाँ पर शुक्र के साथ बैठकर वो स्थिति को थोड़ा सा डगमगा दिया है। तो ऐसे में मंगल एग्रीवेट कर रहे हैं तो ऐसे में विश्व के लिए ये योग जो है पूरे सर्वव्यापक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कष्टकारी योग बनता है, पडंगकारी योग बनता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि हम बात करें 27 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से तो उस दिन द्वितीया तिथि बुधवार का अवसर और तुला में चंद्रमा का ये पदार्पण होने जा रहा है, आपके लिए शत्रुओं पर क्षय करने वाला रहेगा, आपके कार्यों में विजय दिलवाने वाला रहेगा, आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने वाली स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं बुध महाराज। ऐसे में कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 28 मार्च को तृतीया का अवसर, बृहस्पतिवार का योग, भद्रा साथ में विद्यमान है और गणेश चतुर्थी का योग है। ग्रह गणना, चंद्रमा आपके लिए पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति बुध का जो योग जो बन रहा है ये आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, आपके विरोधियों को दबाता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में केवल आपकी राशि के अनुसार से समझ लें, शनि मंगल जो खराब कर रहे हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश जी का ध्यान करना बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि चतुर्थी का योग है, ऐसे में गणेश चतुर्थी का व्रत भी रहेगा, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, ये समस्त श्रेष्ठ रहेंगे उपाय। एक बात का और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा भद्रा है इस दिन, सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को करीब करीब 7 बजे तक भद्रा रहेगी तो नए बड़े प्रोजेक्ट्स को उस दिन आरंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भद्रा समाप्त हो उसके बाद कार्य को आरंभ करें तो अच्छा रहता है, अन्यथा भद्रा विघ्न के अनुसार से हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे दोष लगते हैं कि जो फिर जीवन पर्यंत उस कार्य को पूर्ण करने में कभी योग बनता ही नहीं है। इंद्र ने गलती करी थी युद्ध को आरंभ करने के वक्त, भद्रा का दोष लगा था, फिर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, फिर गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने आकर विशेष तौर पर उनको खास तौर पर रास्ता बताया और गुरुदेव ने विशेषतः बृहस्पति महाराज ने आकर जो उपाय बताया वो 1 वर्ष लगा उनको भद्रा को शांत करने के लिए, तब जाकर उनको विजय प्राप्त होने के योग बने। तो आप भी ध्यान रखते हुए, भद्रा के बहुत सारे दोष होते हैं, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और लगातार उसमें हार मिल रही है तो हो सकता है भद्रा का दोष हो, तो उसके लिए शास्त्र में जो वर्णित उपाय हैं उनको करने का प्रयास कीजिए, उससे परिवर्तन के योग बनेंगे। 29 मार्च के लिए हम बात करें, चतुर्थी का अवसर है, शुक्रवार का तिथि है, चंद्रमा थोड़े क्षीण होने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, ये मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी एंजाइटी स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देने के योग दे सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों को खासतौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। ये 2-3 दिन थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा का दान को जो उपाय बताया उसको अवश्य कीजिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होने के योग बनेंगे। 30 मार्च पंचमी तिथि, शनिवार का अवसर और ऐसे में ग्रह गणना के अनुसार से यदि हम बात करें तो थोड़े से ग्रह हल्के हैं, शत्रु पक्ष भारी रहेगा, सामने वाले लोग आपकी एंजाइटी को बढ़ाने का कार्य करते दिखाई देंगे, मनोमस्तिष्क को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, शनि को अनुकूल करने की ज़रूरत है। शनि महाराज मंगल के साथ थोड़े से एग्रेसिव हैं तो ऐसे में शनि का उपाय करें, हनुमान जी का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 मार्च की यदि हम बात करें तो सप्तमी का अवसर है, रविवार का अवसर है और एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र महाराज जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ खास उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी ग्रह गणना विशेष तौर पर हम समझें तो
चंद्रमा रात को परिवर्तन की तरफ जाएंगे, अगले दिन से परिवर्तन का योग बनाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण इस दिन। विशेष तौर पर एक बात और ध्यान है, अनुराधा और ज्येष्ठा नाम के नक्षत्रों का उदय हो रहा है। 31 तारीख को अनुराधा और 1 अप्रैल को ज्येष्ठा नक्षत्र का योग है, तो ऐसे में मूल शांति जिन जातकों को जन्न हो वो अवश्य करा लेनी चाहिए। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योग आश्रम इस क्षेत्र में करीब करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है, और हमारी परंपरा से जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुनापार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले हैं। करीब करीब 50-60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर, मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है, हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अनुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएँ हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पर होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पर पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे, तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में, यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।